हाँ 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 आज बाबा ने कहा कि मर्यादा के अंदर किसी की सेवा करते हो तो पुण्य का खाता जमा होता, अगर मर्यादा से बाहर किसी की सेवा करते हो तो एक की कर्म करने की मर्यादा है। जैसे उदाहरण सीता, सीता को लक्ष्मण ने कहा था आप इससे बाहर जाना नहीं, और एक साधु आया, सीता को लगा मुझे उस साधु को संतुष्ट करना है, खुश करना है, खाली हाथ भेजना नहीं, तो साधु कहा इससे बाहर आओ। उसने कहा नहीं मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ, तो वो श्रापित करने गुस्सा करने लगा। तो सीता को लगा किसी को दुख नहीं देना चाहिए तो सुख देना चाहिए, तो मैं बाहर गया तो क्या होगा, तो उसने अपनी मर्यादा लक्ष्मण ने जो रेखा डाली थी वो क्रॉस करके बाहर आई दान खुश करने के लिए, तो दान दिया। वो कौन था? रावण था, उठा के लेके गया। यहां भी आपको मर्यादा है संसार में चलते हुए, उस मर्यादा के अनुसार करो, उसको छोड़ कर करके खुशी को खुश करने जाएंगे तो आपके जीवन में रावण ऐसा उठा के ले जाएगा। उदाहरण मर्यादा है, घर में किसी को ना नहीं करना है, किसी ने कहा हाँ जितना हो सकता है करो, गुस्सा आपको नहीं करना है, गुस्सा किया यह मर्यादा है। भगवान के बच्चे हो आप, रोज मुरली सुनते हो, भगवान पढ़ाता, भगवान ने श्रीमत दिया गुस्सा नहीं करना। घर में पति बच्चे गुस्सा करेंगे मुझे नहीं करना है, बाबा आपने कहा गुस्सा नहीं करो, मैं आपके बच्चे, बाबा को उस समय याद करो, तो आपने किया नहीं तो उनको उनके कर्म उनके बन जाएंगे, आपके विकर्म नहीं बनेंगे। ठीक है, हम दूसरों को सुख देने के लिए अपनी मर्यादा, हरेक को मर्यादा है, वो मर्यादा पूर्वक चलो उससे क्रॉस करो। इसलिए उदाहरण दिया रामायण में, लक्ष्मण ने कहा आप इससे बाहर जाना नहीं, नहीं दूसरों को खुश करना है। और एक उदाहरण बताता हूं, जैसे कहा बाबा मुरली में भी कहता है बच्चे बाहर की चीजें नहीं खाओ। हाँ अभी माता जी किसी अपने बेटे के पास ही गई और बहू भी ज्ञान में नहीं चलती है, बहू ने ला के चाय बना के लेके आई, आप कहती है मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो नहीं आपके लिए चाय बनाया पी लो माता जी पी लो, अगर बार बार कहा आपने पिया क्या, पिया आपने क्या करे, आपको पता था नहीं पीना, बाबा ने मुरली में सुना था श्रीमत है बाहर का अज्ञान को नहीं खाना चाहिए, है ना, क्योंकि बहू को खुश करना चाहिए, बहू नाराज हो जाएंगी, है ना, तो खुश करने के लिए आपने श्रीमत का उल्लंघन किया, पाप किया, तो क्या करना चाहिए। हाँ अभी मर्यादा क्या है इधर, हाँ हाँ लेकिन उन्होंने फोर्स किया तो क्या करें आप। हाँ तो उसका 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 तरीका है, अगर आप किसी के घर में जाते हो तो कुछ पीना चाप उनका हाथ का चाय दूध कुछ नहीं लेना है, आप होके मांग के ले लो, माताजी मुझे चाय नहीं बनाना पानी देना, आप मांग के ले लो रखो पीवन भी नहीं जले, लेकिन आप मांग के ले लो, नहीं मैं आपके हाथ का नहीं खाती हूँ ये नहीं बोलना है। क्या हम शुद्ध है क्या, आप ही देवता है, तो किसी के घर में जाते हो ना नहीं करना है, आप होके को मुझे पानी दे दो, मेरे लिए चाय नहीं बनाना और कुछ नहीं करना, मांग के ले लो, तो कहेंगे हाँ ये माताजी हमारे घर की लेती है, नहीं तो एक गलत भावना होती है ये लोगों के हाथ के खाते नहीं है हम सब भ्रष्ट है यही देवता है ना, इनको नशा है अहम है, तो ये गलत संदेश जाता है। कहीं भी बच्चों के घर में जाओ किधर भी जाओ आप होके ले लो। हाँ अगर मंदिर में जाते हो, मंदिर में क्यों गए, मंदिर में प्रसाद देते आपकी भावना नहीं है तो क्यों गए थे, अगर उधर तिलक लगाते लगा लो को अर्जन ही, प्रसाद लेता है ले लो, ले आकर के बाहर में उधर फेंको नहीं, नहीं तो नहीं जाओ, गए तो वहां की विधि पूर्वक चलना चाहिए। समझ में आया, और बताओ।